कैसे हो आयो पापा अच्छी होंगे। हम बात करने वाले हैं, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के अजूर पोर्टल पर साइन अप करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि अजूर पोर्टल क्या है। यह माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा पोर्टल है जहां पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जितने भी एपी होती है वो सारी की सारी एपी अजूर पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। जिस प्रकार गूगल की जो एपी होती है वो क्लाउड कंसोल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, उसी प्रकार माइक्रोसॉफ्ट का भी एक अजूर पोर्टल है। इसके थ्रू ये माइक्रोसॉफ्ट अपनी एपी है वो प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको इनकी एपी पसंद आ गई है, अगर आपको भी इनका पोर्टल को साइन अप करना है और एपीआई को इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना हो, इसके लिए आपको साइन अप करना हो। इसके लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा अजूर पोर्टल लॉगिन साइन अप, तो आपको फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, आपको थर्ड नंबर पर जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखेंगे portal.azure.com, तो इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला है। तो ऐसे हम इस ऑनली इस डोमेन को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल बी पेस्ट करके इस तरह इसको ओपन कर लेंगे और आपके सामने ये साइन अप करने के लिए ऑप्शन है आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल के थ्रू ही आपको यहाँ पर साइन अप करना होगा। तो अगर आप अपना ईमेल एंटर करते हैं, तो यदि आपका इस पर अकाउंट क्रिएट नहीं है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल नहीं है, तो आप क्रिएट वन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना ईमेल है वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पर आपको बनाना होगा। तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना ईमेल। जैसे आप ईमेल एंटर करेंगे तो फिर आपके सामने पासवर्ड एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो इधर आपको पासवर्ड एंटर कर देना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने किस प्रकार का पेज है वो लोडिंग लेगा, तो आपको वेट कर लेना है। जैसे कि हमारे सामने ये पोर्टल है ओपन हो रहा है तो कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर डैशबोर्ड है वो डिस्प्ले हो चुका है। आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। आपको मे बी लेटर को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका अकाउंट रेडी हो चुका है, बट इसमें कुछ और प्रोसेस है उसको भी फॉलो करना हो तब जाकर आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। अभी आपका हाफ ही प्रोसेस है कंप्लीट हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर जो स्टार्ट बटन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अपने पर्सनल डिटेल और कार्ड की डिटेल एंटर करना होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टार्ट फ्री अकाउंट पर क्लिक करना होगा। आप फ्री में ये अकाउंट है क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज या पे नहीं करना होता है, बट इसमें कार्ड की डिटेल ज़रूर मांगी जाती है। तो अभी हमारे सामने सब कुछ डिटेल है यहाँ पर फिल करने के लिए ऑप्शन आएंगे, तो अभी उनको सभी को हम आपके सामने फिल करके दिखाएंगे। तो कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना है, यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अपना कंट्री का नेम, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे और अपना ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आपको यहाँ पर टैक्स मी या कॉल मी पर क्लिक करके आपको अपना जो मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी लेकर आपको इसको वेरीफाई करना होगा अपने मोबाइल नंबर को, तभी आप ये आगे का प्रोसेस फॉलो कर सकेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे। यदि आपका एसटीडी वाला मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना होगा, फिर अपना जो मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का वो मोबाइल नंबर इधर एंटर करके टैक्स मी बटन पे आपको क्लिक करना होगा और आपको एसएमएस आ जाएगा, फिर एसएमएस को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर हमने कोड है यहाँ पर एंटर कर दिया है 6 डिजिट का और उसके बाद में वेरीफाई कोड पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपना ऑर्गेनाइजेशन जो भी नेम है वो एंटर करेंगे, पैन नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देंगे और सिटी का नेम, स्टेट का नेम फिल करेंगे और इधर अपना पोस्टल कोड मतलब अपना जो पिन कोड होता है वो एंटर करेंगे और इस पर टिक करके नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सभी डिटेल्स को फिल कर देंगे उसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें कुछ एरर आए तो वो बताएगा कौन से कॉलम में कमी क्या है, तो आपको उस कॉलम को फिल करना होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर आपको अपना कार्ड का डिटेल है वो एंटर करना होगा, मतलब अपना
वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है, एटीएम कार्ड मतलब उसके कार्ड का नंबर और कार्ड होल्डर का नेम, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, तो यह सब कुछ आपको फिल करना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम फिल किया है, यहाँ पर कार्ड नंबर फिल किया है और यहाँ पर यह बता भी दिया है कि कार्ड कौन सा है, वीज़ा है, मास्टर है और यहाँ पर उस पर कार्ड में नहीं चलेगा। यहाँ पर कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर और सीवीवी कोड एंटर करेंगे और एड्रेस यहाँ पर सब कुछ है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ पर आपको साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करना होगा और सबमिट करना होगा। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट से यहाँ पर इतना यहाँ पर चार्ज है वो काटा जाएगा, तो अभी यहाँ पर 2 रुपये डिस्प्ले कर रहा है तो 2 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से काटा जाएगा जैसे हम ओटीपी को वेरीफाई कराएंगे और जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार ये प्रोसेसिंग लेगा। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इधर आपको वेट करना है। देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है तो इसको कंप्लीट होने तक आपको इंतज़ार कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। आपका जो एज्योर पोर्टल का जो साइन अप का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है, तो इस प्रकार आप अपना प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं और इस प्रकार आपका जो अकाउंट है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आप यहां पर अवेलेबल एपीआई है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।